एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कुछ वेस्ट मटेरियल से एक बहुत ही सुंदर सा DIY बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक पीस ऑफ पेपर ले लेना है। ये थोड़ा सा थिक पीस ऑफ पेपर लिया है मैंने और उस पर मैं लीफ शेप से कुछ बड़े एंड कुछ छोटे पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं। अब इन्हें हम कट कर लेंगे एंड देन मैं इस पर हॉट गन ग्लू की हेल्प से कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ रैंडमली, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड ऐसे ही हमें बहुत सारे पेटल्स ड्रॉ लाइक रेडी करने हैं। एंड अब मैं इसे थोड़ा सा कर्व शेप देने के लिए फेविकॉल की हेल्प से थोड़ा सा कर्व लुक क्रिएट कर रही हूँ राउंड करके, पेपर फोल्ड करके। एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्रिएट कर लिए हैं। एंड देन अब हमें एक कार्डबोर्ड पीस मेजरमेंट मैंने 15 सेंटीमीटर लिया है एंड इसे मैं ब्लैक पेपर की हेल्प से कवर कर दूंगी इसके सारे कॉर्नर्स को एक फिनिशिंग लुक के लिए। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताइए कि आप सभी की दिवाली प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एंड अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग DIYs चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही ट्रेंडी एंड दिवाली फेस्टिव डेकोर्स हमारे चैनल पे बैक टू बैक आने वाले हैं। तो अब मैंने अपने सारे पेटल्स, जो पहले बड़े साइज़ के पेटल्स थे, उन्हें स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड पे स्टिक कर दिया है। बट मैंने सिर्फ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ एंडिंग पोर्शन पे ही ग्लू लगाया है एंड देन बीच में स्मॉल वाले पेटल्स लगाए हैं। ऐसे मैंने 4 रेडी कर लिए हैं। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। मैंने इसमें सारे मेटालिक कलर्स का यूज़ किया है, जैसे मेटालिक रेड कलर, मेटालिक गोल्ड एंड मेटालिक ब्राउन एंड देन मेटालिक सिल्वर कलर। मैंने ये 4 कलर्स का यूज़ किया है। आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं बट मेटालिक कलर का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। बड़ा पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेके उसे भी चार्ट पेपर की हेल्प से रैप अप कर दिया है। एंड अब हमें मुझे पैचेस साड़ी पे मिले थे तो मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था। अब इसकी जगह कोई पेपर फ्लावर बना के या ऐसे कुछ फ्लावर आपके पास हो तो आप सेंटर पे लगा सकते हैं। इसे काफ़ी सुंदर सा एक फ्लावर वाला लुक आ रहा है। मैंने एक छोटे छोटे 12 पीसेस सेंटीमीटर वाले कार्डबोर्ड को एक रैंडमली कलर पेपर से कलर करके, एंड ये टेक्सचर पेपर है, थोड़ा सा थिक होता है ये, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से पैटर्न्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ये आपको A4 साइज़ में मिलेगा और या फिर बड़े चार्ट पेपर साइज़ में भी अवेलेबल है। तो उससे मैंने इसके सिर्फ फ्रंट में स्टिक कर दिया है। एंड अब हमें जो हमारे 2 फ्लावर्स है उसे दोनों क्रॉस एंगल में लगाना है। तो मैंने गोल्डन एंड रेड कलर के फ्लावर्स को एक साथ स्टिक किया हुआ है एंड जो बाकी के 2 कॉर्नर्स है उस पर हमने जो अभी स्क्वायर पीस रेडी किया है पैटर्न पेपर वाला, वो स्टिक करना है। ऐसे DIYs हमें अमेज़ॉन पे काफ़ी देखे हैं मैंने और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। वैसे तो ये मेटल्स के बनते हैं बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे पेपर से रिक्रिएट करूँ। एंड यूजुअली चार्ट पेपर्स हमें 5 to 10 रुपीज़ में मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। मैंने हैंगिंग के लिए पेपर क्लिप्स का यूज़ किया है। आप चाहे तो जो हुक्स आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मैंने इस पर कार्डबोर्ड एंड देन पेपर टेप से इसे स्ट्रॉन्गली कन्फर्म फिक्स कर दिया है। We'll be right back.
आता है और यूजफुल लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।